बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और नया ट्वीट अप किया है और अब की बार ये ट्वीट धाम के बाबा पर हमला करता हुआ ये ट्वीट है। लिखा है कि आप कैसे बाबा हैं, आप सिर्फ स्तन से जुदा करने की सुपारी दे रहे हैं, श्राप देकर भी तो आप भस्म कर सकते थे। ये ट्वीट स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से किया गया। वो आगे लिखते हैं कि इससे 21 लाख रुपए भी बचता, असली चेहरा भी बेनकाब होता। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये एक और ट्वीट देखिए सामने आया है। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं और ये ट्वीट वॉर का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। आप देखिए ये ट्वीट का कॉन्टेंट, वो एक धाम के बाबा पर हमला करता हुआ लिख रहे हैं कि आप कैसे बाबा हैं कि आप सिर तन से जुदा करने की सुपारी दे रहे हैं। ये आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट है। हर असंभव कार्य को संभव करने की जो आप बात कहते हैं, आप कैसे बाबा हैं जो सबसे सशक्त पीठ के महंत होने के बाद भी सिर तन से जुदा करने की आप सुपारी दे रहे हैं, श्राप देकर भी तो आप भस्म कर सकते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट, इस कॉन्टेंट को आप ध्यान से पढ़िए। वो लिखते हैं कि 21 लाख रुपए भी बचता और असली चेहरा भी बेनकाब न होता। हर असंभव कार्य को संभव करने का नौटंकी करने वाले एक धाम के बाबा की धूम मची है। अब आप खुद समझिए कि ये जो शब्द हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के, ये किसको लेकर कहे गए हैं। जनता बहुत समझदार है और बेहतर समझती है कि ये राजनीतिक लोग जिस तरीके से बयान देते हैं, ट्वीट करते हैं, किस संदर्भ में देते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ विवेक त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और नया ट्वीट, और कोई शक नहीं है इसमें, कोई दूसरी राय नहीं है किसको लेकर उन्होंने ये ट्वीट किया है, क्यों लिखा है, आप जानकारी दीजिए। जी देखिए, रामचरितमानस को लेकर हुए विवाह के बाद अब उनका निशाना एक धाम पर है और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने लिखा है। हालांकि वो टारगेट कर रहे हैं बागेश्वर धाम की तरफ, जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनकी तरफ उनका इशारा है। और उन्होंने साफ नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा है कि हर असंभव कार्य को संभव करने का नाटक करने वाले एक धाम के बाबा, यानी वो सीधे एक तरह से ये लड़ाई जाति और धर्म से बढ़कर और भी आगे चली गई है। अब बागेश्वर धाम के बाबा को उन्होंने निशाना बनाया। उनका कहना है कि जिस तरह से उन्होंने एक साधु संत होने के बावजूद जो बातें कही हैं, उन्होंने सिर्फ संत से जुदा करने की बात कही है, तो उसको लेकर उन्होंने निशाना बनाया है कि वो जिस तरह से हिंदू धर्म में होता था कि वो ऋषि मुनि जो होते थे वो श्राप दे देते थे, तो उन्होंने ट्वीट में अपने इसका भी जिक्र किया कि इसकी क्या जरूरत थी और जो उनके आने का और एक आयोजन करने का खर्चा है वो भी बच जाता, तो वो श्राप देकर ही उस तरह से खत्म कर सकते थे। तो इस ट्वीट को उन्होंने करीब 10 मिनट पहले ट्वीट किया है और एक वायरल हो रहा है तेजी से सोशल मीडिया पर उनका ट्वीट। और इसको लेकर ये भी हो रहा है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, उन्होंने साधु महंतों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है और शुरू से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल विवेक। और एक और बात का जिक्र यहाँ पर मैं जरूर करना चाहूंगी। एक तरफ तो देखिए वो लोग हैं जो खुद को सनातन धर्म के पक्षकार बताते हैं, जो बागेश्वर धाम के बाबा का सपोर्ट में भी उतरे हैं, हमने वो लोग भी देखे, और दूसरी तरफ वो लोग जो स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट का भी लगातार विरोध करते रहे और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ट्वीट पर ट्वीट करते रहे। ये बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य को पता थी कि जब वो फिर से एक ऐसा ट्वीट करेंगे एक बार और उन्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा, फिर उन पर बयान होंगे। जी बिल्कुल, अभी ये सुबह सुबह और हर घंटे में लगभग उनका कोई ना कोई ऐसा ट्वीट आता है जिसमें खलबली मच जाती है, धर्म को लेकर हो या रामचरितमानस को लेकर हो। जबकि उनके खिलाफ आज ही FIR भी दर्ज हुई है, आज पीजीआई थाना में उनके खिलाफ FIR हुई है, जो कल वहां पर रामचरितमानस जलाई गई थी, उसकी प्रतियां जलाई गई थी और उनको पैरों तले पूछा गया था, उस मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ FIR भी हुई है। इसके बावजूद इस तरह की जो ट्वीट है उनके भड़काने वाले, एक तरह से लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले, एक उत्तेजना पैदा करने वाले ट्वीट है, वो समाजवादी पार्टी उनको संरक्षण दे रही है और उसकी तरफ से अभी तक इसका कोई विरोध या उस तरह का बयान नहीं आया है। ठीक है, और विवेक अब तो ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि अखिलेश यादव ने तो अभी तक धाम को लेकर, बाबा को लेकर कोई बात कही नहीं है, पर स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस पर समर्थन किया था, अब इस पर भी क्या अखिलेश यादव साथ देते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का। बहुत धन्यवाद आपका विवेक जानकारी पहुंचाने के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।